हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फो ट्रेड यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, एनसीएल में जो है वैकेंसी निकाली गई है जो कि आईटीआर नॉन आईटीआर दोनों के लिए है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एनसीएल क्या है। एनसीएल नॉर्दर्न कोल फाइल लिमिटेड, जो कि एमपी मध्य प्रदेश में पड़ती है। और यहाँ पे क्या है कि दोस्तों, कोयले की खदान है, जैसे कि आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहीं पर जो है आईटीआर के कैंडिडेट के लिए, जो है ऑपरेटरों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों मैं आपको याद दिला दूं कि मैंने अपने फेसबुक पेज पर आपको बताया था कि मैं कुछ दिन पहले एनसीएल में गया था। देखिए मैं आपको दिखा दूं, तो यहाँ मैं एनसीएल में कुछ दिन जो है 2-4 दिन के लिए गया था किसी काम से। और यहाँ मैंने आपको बताया था कि एनसीएल में जो है मैं आया हुआ हूँ, और यहाँ मुझे पता लग गया था कि कुछ वैकेंसी आने वाली है, लेकिन ऑफिशियल जो है नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया था। तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जो कि आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहे तो हमारे टेलीग्राम के साथ भी जो है जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर हमने जो है इस पीडीएफ फाइल को जो है डाल दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड करके रीड भी कर सकते हैं। बाकी आपको मैं लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए दोस्तों, हम सबसे चलते हैं एनसीएल की वेबसाइट पर। ये आप देख सकते हैं पूरा का पूरा एनसीएल का जो छोटी छोटी क्लिप दिखा रखी है। तो हम जान लेते हैं कि किस टाइप से जो है वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। सबसे पहले दोस्तों, इसकी जो पीडीएफ फाइल है हिंदी व इंग्लिश दोनों में दी गई है। आप कोई सी भी आपको कंफर्टेबल लगे वो आपको आप उसको रीड कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो रिलीजिंग डेट है वह है 22 जो है फरवरी 2020। अभी यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कब से स्टार्ट होगा और उसकी लास्ट डेट कब होगी, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिखा है पूरा एड्रेस। ये एक मिनी रतन जो है कंपनी है, जो कि एमपी में पड़ती है सिंगरौली में। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आप लिंक देख सकते हैं। और हम चलते हैं दोस्तों किस किस टाइप से वैकेंसी निकाली गई है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑपरेटर हैं जिनकी वैकेंसी निकाली गई है, सभी ऑपरेटर हैं। तो हम जान लेते हैं नीचे चलकर। तो क्वालिफिकेशन और वैकेंसी हम जो है नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ड्रिलिंग ऑपरेटर में यहाँ वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पे आपके पास क्या क्या होना चाहिए, मैट्रिकुलेशन हाई स्कूल के साथ आपके पास हाई स्कूल होने चाहिए सेकेंडरी, और आपको जो है आईटीआई का सर्टिफिकेट कौन कौन सा लगेगा। यहाँ पे लगेगा फिर डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक और फिटर ट्रेड्स, एंड वैलिड एनसीबीटी एससीबीटी ट्रेड सर्टिफिकेट। इसके साथ आपको जो है एक लाइसेंस भी यहाँ पे लगने वाला है। फ्रेंड्स, नो वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। तो लगभग लाइसेंस की मैं आपको बता दूँ दोस्तों, सभी जगह जो है यहाँ पे पोस्टों में लाइसेंस मांगा गया है, तो आपके पास एक लाइसेंस होना चाहिए। और यहाँ पर जो है डोजर ऑपरेटर के लिए भी वैकेंसी निकाली गई है, और हाई स्कूल के साथ जो है आपके पास एक लाइसेंस होना चाहिए। तब यहाँ 48 वैकेंसी और 11 वैकेंसी इस नीचे वाली ट्रेड की है। और यहाँ डंपर ऑपरेटर जो है डंपर चलाते हैं, जो कि ड्राइवर होते हैं, उनके लिए हम वैकेंसी निकाली है। तो लगभग यहाँ पे भी जो है लाइसेंस का एक इशू है कि भाई आपको जो है लाइसेंस इशू होना चाहिए और वैलिड होना चाहिए। और ये देख सकते हैं, ये है HMV हैवी मोटर व्हीकल्स, आई थिंक है ये। तो यहाँ पे आपको जो है 6 पोस्ट दी गई है। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं आईटी के लिए ये पोस्ट है, और आप जो है इन इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं। अभी हम नीचे चलते हैं कि उसमें और कौन कौन सी टर्म्स कंडीशन दी गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वैकेंसी को कैटेगरी वाइज खोल कर यहाँ दिखाया गया है, 307 यहाँ पे लगभग पोस्ट दिखाई गई है। अब हम चलते हैं नीचे की तरफ। तो यहाँ पे जो है परसेंटेज दी गई है मेट्रिकुलेशन की, कितनी कितनी परसेंटेज कैटेगरी वाइज होनी चाहिए। जनरल 55 है, इस टाइप से यहाँ पर दी गई है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा नीचे, इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं। तो काफ़ी बड़ी पीडीएफ फाइल है, थोड़ा मैं जल्दी जल्दी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे आप जो है पे स्केल दिया गया है, ड्रिलिंग ऑपरेटर जो आईटेक के स्टूडेंट हैं उनके लिए जो बेसिक पे है पर डे वह जो 1034.04 रखा गया है। 3 ईयर की जो है यहाँ पर ट्रेनिंग पीरियड रखा गया है फर्स्ट टाइम। इसके बाद सक्सेसफुल होने के बाद जो है आगे इस्टेब्लिश किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो है और जो है डोजर है और ग्रेडर है, और यहाँ डंपर है, सोवल ऑपरेटर है, क्रेन ऑपरेटर है, उनके लिए भी ये गया 1011 का जो है बेसिक रखा गया पर डे के हिसाब से। 3 ईयर यहाँ पर जो है आपकी जो है ट्रेनिंग पीरियड रखा जाएगा, ये देख सकते हैं आप लिखा है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ड्रिलिंग ऑपरेटर का भी दिया गया है क्या क्या इसमें जो है आपका पे स्केल रखा जाना है। रिजर्वेशन के बारे में यहाँ दिया गया, जो भी गवर्नमेंट के हिसाब से रिजर्वेशन होता है वो यहाँ पर लिखा गया है। इसके बाद हम चलते हैं नीचे की तरफ। एज लिमिट यहाँ पर क्या दी गई है, तो यहाँ पे रिजर्व जो कैंडिडेट होते हैं ईडब्ल्यूएस, उनके लिए नो रिलेक्शन दिया गया है, कोई भी इन्हें छूट नहीं मिलेगी। बट एससी एसटी के लिए 5 ईयर्स है, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स की है, एक्स सर्विस मैन के लिए यहाँ पे अलग दी गई है। इसके बाद हम चलते हैं फीस का क्या स्ट्रक्चर रहने वाला है। तो फीस के लिए अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 500 यहाँ पे फीस लगने वाली है। एससी एसटी जो है ईएसएम और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट नील रखे हैं। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट क्या होते हैं, डिपार्टमेंट कैंडिडेट जो है दोस्तों हमारे जो एनसीएल से जो आईटीआई अप्रेंटिस किए हुए हैं उनके लिए जो है नील कोई भी फीस नहीं लगने वाली। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, जो है आगे सिलेक्शन का प्रोसेस यहाँ पे दिया गया, वो मैं आपको आगे बता दूंगा किस किस टाइप से जो है इसमें आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन वगैरह दिए गए हैं एच ई एम एम के लिए, तो 50 से 60 मार्क्स है। चलो हम आगे बता देता हूँ इसे आपको।
नीचे क्लियर दे रखा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे HEMM जो पोस्ट पोजिशनिंग है उनके लिए जो है 100% 100 का मैक्सिमम मार्क्स रखे गए हैं। 50% आपको इसमें 50 नंबर लाने होंगे, 40% SC ST OBC एंड NCL के लिए रखे गए हैं। इसके बाद इसी तरह से ड्रिलिंग ऑपरेटर के लिए 150 जो है क्वेश्चन यहाँ पे दिए जाने वाले हैं, और यहाँ पे इस टाइप से इसको कट ऑफ मिनिमम कट ऑफ के लिए इतने मार्क्स आपके चाहिए। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट, नीचे के स्कोर डाउन करते हुए काफ़ी सारी इसमें जनरल जो है बातें लिखी गई है, वो आप अपने आप भी पढ़ सकते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन जो है यहाँ पर दिया गया है कैंडिडेट के लिए, जो भी आपको फॉर्म भरना है, किस किस टाइप से आपको जो है सारी की सारी टर्म्स कंडीशन को देखना है। और आगे हम नीचे चलते हैं तो ये सारी जनरल इंस्ट्रक्शन है, उन्हें आप अपने आप भी रीड कर सकते हैं, हिंदी व इंग्लिश दोनों में है। PDF फाइल का लिंक मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर जो है दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। इसके बाद हाउ टू अप्लाई में जो है दोस्तों यहाँ पर कैसे अप्लाई करना है, तो यहाँ सबसे पहले जो है आपका फर्स्ट स्टेप रजिस्ट्रेशन का होगा, फिर सेकेंड स्टेप पेमेंट का होगा, थर्ड स्टेप जो है आपका अप्लाई होगा, अप्लाई करेंगे, फिर इसके बाद फोर्थ में सबमिशन करेंगे, उसके बाद देन आप अपना इसका प्रिंटआउट निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पर खोल कर दिखाया गया किस किस टाइप से आपको जो है अपना मोबाइल नंबर, ईमेल डालनी होगी, पासवर्ड कैसे डालना होगा आपको, इसके बाद फीस आपको कैसे पेमेंट करनी होगी, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ फीस का दे रखा है। अप्लाई आपको कैसे करना होगा वो यहाँ पे दे रखा है। इसके बाद सबमिशन आपको कैसे करना होगा वो यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, जो है स्पेशल ये नोट्स दिए गए हैं कि इम्पोर्टेंट डेट्स क्या क्या हैं। तो स्टार्टिंग की ऑनलाइन की जो डेट है दोस्तों वह यहाँ पे जो है 16 जो है मार्च 2020 है, और यहाँ पे 13 मार्च 2020 को जो है क्लोज कर दिया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं ये क्लोजिंग डेट दी गई है। अभी जो है रिटर्न एग्जाम की जो डेट है वह टेंटेटिव दी गई है, अभी उसकी कोई डिसाइड नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर डेट नहीं दी गई है। चलिए जैसे डिसाइड होगा, कुछ भी नोटिफिकेशन मिलता है तो मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे जो है इनका जो है आपको इनसे कॉन्टेक्ट करने का भी यहाँ समय वगैरह दिया गया है, कितने कितने बजे से आप समय इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कोई भी आपको परेशानी आए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लैंडलाइन नंबर दिया गया है, फोन नंबर, और यहाँ पे ईमेल आईडी भी दी गई है, तो यहाँ पे आप इंस्टेंट जो है इनसे कुछ भी जो है सवाल जवाब कर सकते हैं, कोई भी आपको फॉर्म भरते वक्त जो है कोई परेशानी आए, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद यहाँ पे जो नीचे जो एक फॉर्म टाइप से दिए हुए हैं कुछ, तो काफी सारे फॉर्म से इस टाइप से दिए गए हैं, तो शायद ऑफलाइन के लिए हैं, और हम मैं ले चलता हूँ इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको दोबारा से। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे भी जो है देख सकते हैं यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा गया है, और एम्प्लॉयमेंट नोटिस को जो नोटिफिकेशन को आप यहाँ से डाउनलोड कर लेना इस तरह से, तो आपका जो है एक विंडो खुल जाएगी, आप में जो है PDF फाइल को नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लें, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स मैं आपको याद दिला दूँ, हमारे इन्फोटेड यूट्यूब चैनल में जो है काफ़ी सारी वीडियो है IT रिलेटेड, जिसमें कि हम आपको IT और नॉन IT दोनों की अब तैयारी करवाते हैं। सो फ्रेंड्स काफ़ी वीडियो हमने अपलोड कर दी है, जिसमें काफ़ी क्वेश्चंस हैं जो कि आपके NCL में भी जो है काफ़ी बेनिफिट देंगे आने वाले एग्जाम में, और आप जो है हमारी जो है ITI मैकेनिकल ट्रेड बुक को भी जो है ऑर्डर कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो काफ़ी अच्छी बुक है, बहुत बच्चों ने उसको जो है ऑर्डर किया हुआ है। सो फ्रेंड्स मैंने आज आपको बताया है कि किस टाइप से जो है NCL में आपको वैकेंसी निकाली गई है आपके लिए, जो कि IT कैंडिडेट के लिए है, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेजेस जो है वहीं के रही हैं जो कि NCL में पड़ता है। सो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, और आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो उससे क्या है कि हमारी जो इंस्टेंट वीडियो होती है उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्रेंड्स मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स कोई भी आपका सजेशन हो या कोई आपकी एक्स्ट्रा जो है जानकारी लेना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसको आपको जरूर जल्दी से जल्दी उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। सो फ्रेंड्स मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक फ्रेंड्स आप सभी अपना ध्यान रखें, और कोई भी नेक्स्ट जानकारी मिलती है मुझे NCL के बारे में तो मैं आपको दे दूंगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो से मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।